अलैकुम वेलकम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नावल्स की दुनिया नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे आइए चलते अपने नावल की तरफ योर बिग को जायशा नहीं आई अभी तक रजा ने हमदानी को देखते हुए सवाल किया सर आप इसे रहने दें वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब लग रही थी हमदानी ने रजा के सामने से फाइल उठाते हुए कहा हमदानी ये सब ठीक नहीं है ये बुजुर्गों की तरह मुंह छुपा के क्यों घर में बैठ गई है आज का प्रोग्राम कौन करेगा रजा बुखारी ना गवारी से बोला सर आज का प्रोग्राम हम मैनेज कर लेंगे हमदानी अपनी बात पर जोर दिया आज का प्रोग्राम जयशा ही करेगी तुम जाओ मैं इससे बात करता हूं रजा बुखारी हमदानी को कहकर जायशा का नंबर मिलाने लगा लेकिन मोबाइल तो वो तोड़ चुकी थी और नंबर भी बन जा रहा था सर मैं आपको बताना भूल गया जायशा ने अपना मोबाइल तोड़ दिया है हमदानी ने याद आने पर बताया तो रजा ने तासुब से सर हिलाया ठीक है मुझे पता है वो कितनी जिद्दी है और वो किसी के कहने पर नहीं आएगी मैं खुद ही से लेने जा रहा हूँ रजा बुखारी ने ये कहते हुए अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर की कदम तरफ कदम बढ़ा दिया और हमदानी ये सोचने लग गया कि पता नहीं क्या होगा क्योंकि दोनों ही अपनी जिद के पक्के लोग थे जब रजा बुखारी इनके घर पहुंचा तो फिर दोस्त बेगम काफी हैरान हुई थी वो किचन में हांडियां बना रही थी जबकि जायशा ने अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ था बेटा बैठो मैं इसको बुलाती हूं फिर दोस्त ने इसे देखते हुए कहा तो इसने मना कर दिया नहीं आंटी आप रहने दे मैं देख लेता हूं शायद इसके रिश्ते का इस्तेहाक था कि इसने जायशा के कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए कमरे का दरवाजा खुला हुआ था रजा बुखारी कमरे में दाखिल हुआ तो एक लम्हे के लिए हिचकिचा गया क्योंकि इसने जायशा को हमेशा एक ही हुलिए में देखा था लेकिन अब वो अपने आप से भी लापरवाह आड़ी तिरछी बेड पर लेटी हुई थी काले रेशमी बाल कमर तक आ रहे थे वो अपनी ही सोचों में मगन थी कि इसे रजा बुखारी की आमद के बारे में पता ना चल सका रजा बुखारी ने खंगारा इसे अपनी तरफ मतवजा किया जिस पर इसने अपनी निगाहें उठा कर देखा तो पहले तो अपना ख्वाब समझी लेकिन रजा बुखारी अपनी पुरकशिश शख्सियत समेत इसके सामने मौजूद था अपनी हालत पर गौर किया तो थोड़ा सा शर्मिंदा हो गई अपना दुबट्टा इधर उधर ढूंढने लग गई ना मिला तो अलमारी से निकाल कर इसने जल्दी जल्दी दुबट्टा ओढ़ लिया शिद्दत गिरिया से चेहरा सुर्ख हो चुका था काली खूबसूरत आंखें रोने की वजह से सूजी हुई थी बेशक वो मुकाबिल को चारों खाने चित करने की रखती थी। इसको पहली दफा बेहिजाब देखकर रजा बुखारी एक लम्हे में ही निगाहें हटा गया था और दिल ही दिल में इस पर अफसोस करने लग गया ये लड़की बहुत मोहब्बत करने के काबिल थी लेकिन इसने अपना आप मुझसे जोड़कर बहुत ज्यादी कर दी खुद के साथ रजा बुखारी ने यह सोचकर गहरा सांस खारिज किया क्योंकि इसके दिल में ये लड़की मौजूद थी मोहब्बत की सूरत में नहीं बल्कि इज्जत की सूरत में वो इसकी दिल से इज्जत करता था लेकिन मोहब्बत तो वो अपनी मरहूम बीवी रानिया से ही करता था बैठें सर यह कहते हुए वो बेड पर बैठ गई जबकि रजा बुखारी पास पड़ी कुर्सी पर कुछ फासले पर बैठ गया मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी जायशा। रजा बुखारी ने अफसोस भरे अंदाज में इसे देखा सर जो भी है एक लड़की ही हूँ दिल में जज्बात भी रखती हूँ एहसास भी रखती हूँ पता है सर मुझे अपना किरदार अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है जैसे एक माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार और लाट से पालती है मैंने भी ऐसे ही ध्यान प्यार और तवज्जो से अपने किरदार को शफाफ रखने के लिए बहुत जद्दोजहद की है लेकिन सर जैसे एक माँ से अचानक इसका बच्चा छिन जाता है मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे मेरा वो बच्चा जिसको मैंने बड़े लाड प्यार से पाला था वो मुझसे छिन चुका है आखिर में इसकी आवाज़ रंध गई तो रजा बुखारी को इसकी तकलीफ अंदर तक महसूस हुई जायशा मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे किरदार की शफाफियत कोई तुमसे नहीं छीन सकता और ना ही कोई तुम पर कीचड़ उछाल सकता है मुझ पर भरोसा रखो अपनी हालत ठीक करो मेरे साथ ऑफिस चलो आज रात का प्रोग्राम तुम ही करोगी रजा बुखारी से देखते हुए बोला तो एक लम्हे को तो हैरान रह गई क्योंकि रजा बुखारी के लहजे में एक अजम था लेकिन सर आज मैं प्रोग्राम नहीं कर सकूंगी जायशा ने लाचारगी से कहा जायशा अब तुम मुझे तंग कर रही हो क्या फर्क रह जाएगा तुम में और आम लड़कियों में जो जरा सा इल्जाम लगने पर मुंह छुपा के घर में बैठ गई हो रजा बुखारी हल्के से गुस्से से बोला सर ये जरा सा इल्जाम है उस सर मायकी से बोली ये तुम्हें कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चल जाएगा कि किस नोयत का इल्जाम है और इन लोगों को खुश करना बंद कर दो जिन्होंने तुम पर इल्ज़ाम लगाया है बहादुरी से हालात का मुकाबला करो रजा बुखारी समझाने वाले अंदाज में बोला तो वो सर उठाकर इस मेहरबान शख्स को देखने लग गई जिसने जायशा को एंकर जायशा अली बनाया था और आज वो मुल्क के नामवर एंकरों में शुमार होती थी इसी वक्त फिर दोस्त चाय और दीगर लोजमात लेकर अंदर दाखिल हुई बेटा खाना तो अभी बन रहा है आप इतनी देर में चाय पिए फिर दोस्त के लहजे में रजा बुखारी के लिए बहुत इज्जत और एहतराम था नहीं आंटी खाने का तो अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है मैं सिर्फ चाय ही पीऊँगा मैं जायशा को लेने आया हूँ तुम तैयार हो जाओ इसने जायशा को इशारा करते हुए कहा तो बादल ना ख्वासता वो उठकर तैयार होने लगी बेटा आज इसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आज रहने देती प्रोग्राम। फिर दोस्त ने जायशा के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा आंटी आज का प्रोग्राम करना इसके लिए बहुत जरूरी हो गया है ताकि इन लोगों को यह पैगाम दिया जा सके कि जायशा इतनी कमजोर नहीं है जो किसी के इल्जाम लगाने से मुंह छुपाकर घर में बैठ जाए रजा बुखारी की वजाहत पर फिर दोस्त चुप करके कमरे से बाहर निकल गई वो स्टूडियो पहुंचे तो शाम के लहरा रहे थे। दोनों को इकट्ठे आते देख, सारा स्टाफ इनकी तरफ मतव हो चुका था जिसको दोनों ने ही नोट किया था रज़ा बुखारी को किसी जरूरी काम के लिए निकलना था लेकिन वो जायशा के लिए ऑफिस में ही रुक गया क्योंकि आज वह इसकी हौसला अफजाई करना चाहता था तुम जाओ और अपने प्रोग्राम की तैयारी कर लो थोड़ी देर बाद मिलते हैं ये कहकर वो अपने कैबिन की तरफ बढ़ गया जायशा अपने कैबिन में आकर आज के प्रोग्राम की तैयारी करने लगी लेकिन जहन बहुत डिस्टर्ब था रिसा बुखारी ने इसकी बहुत हिम्मत बांधी थी जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इन ट्रांस से निकली थी अचानक इसके कैबिन में फौजिया दाखिल हुई तो वो सर हैरान की हैरानगी से इसे देखने लगी मिस जैशा टीवी पर बैठकर वैसे तो बड़े बड़े लेक्चर देती हो तुम खुद रजा साहब थी इसीलिए छुपी राम निकली ता देनी पड़ेगी तुम्हें वैसे रजा साहब तो दूसरी लड़कियों की तरफ निगाह उठाकर इतना खास देखते ही नहीं थे कैसे फंसा लिया इन्हें हसत और जलन से अंकारा ही चबा रही थी अपनी जुबान को लगाम दो नहीं तो गति से खेच लूंगी गैर मर्दों को फंसाने का शोभा आप जैसी लड़कियों को ही जेब देता है इसलिए कभी हमदानी साहब और कभी रजा साहब के रूम के चक्कर लगते हैं। लेकिन वो दोनों ही बहुत अच्छे इंसान हैं। तुम जैसी लड़कियों को घास नहीं डालते खून खार नजरों से देखते हुए बोली तो इसको गोया आग ही लग गई तुम्हें तो दोनों ही आजकल घास डाल रहे हैं ना इसलिए तुम दोनों की तारीफ कर रही हो वैसे कितने में बेचा खुद को वो एक आंख दबा कर बोली तो जयशा अपने आप में ना रही इसके गाल पर खेच कर एक सन्नाटेदार थप्पड़ मारा जिससे वो बुखला गई मैंने तुम्हें पहले वॉन किया था कि मैं तुम्हारी जुबान भी खेन सकती हूं अब दफा हो जाए से। जायशा गुस्से से दाड़ी फौजियों ने रो रो कर सारा ऑफिस इकट्ठा कर लिया और सबको अपना चेहरा दिखाने लगी जहां पर जायशा की उंगलियों के निशाना फाजिया मौजूद थे बस मैंने इससे यही पूछा है कि तुम इल्जाम लगे हैं इनमें हकीकत है या झूठ है तो ये मुझे मारने लगी शोर की आवाज सुनकर हमदानी और रजा भी अपने रूम से बाहर निकला आप सब लोग अपनी सीटों पर जाकर बैठें और फौजिया और जायशा तुम दोनों मेरे कमरे में आओ रजा बुखारी इन दोनों को इशारा करते हुए अपने कमरे में आ गया तो वो दोनों भी रजा के कमरे में दाखिल हुए हाँ अब बताएं क्या हुआ है रजा ने दोनों को देखते हुए कहा तो फौजिया गाल पर हाथ रखकर रोने लग गई सर मैंने सिर्फ इन, इन इल्ज़ामात के बारे में पूछा है जो आप दोनों पर लगे हैं आगे से मिस जायशा मुझ पर सीखपा होने लगी और तो और खेंच कर एक थप्पड़ मेरे गाल पर दे मारा फौजिया अपनी आंखों में आंसू लाते हुए बोली तो जायशा ने तौसफ से सर हिला दिया रजा ने इसकी बात सुनने के बाद जायशा की तरफ देखा सर ये झूठ बोल रही है ये बहुत घटिया किस्म की बकवास कर रही थी मैं इनको अपनी जुबान पर भी नहीं लाना पसंद करूंगी जायशा ने फौजिया को घूरते हुए वजाहा दी तो रजा बुखारी को सब समझ आ गया सर ये झूठ बोल रही है मैंने ऐसी कोई बात नहीं की फौजिया अपनी बात पर अड़ी हुई थी सर और तो और ये मुझे हमदानी साहब के साथ भी बदनाम करने पर तुली हुई है जयशो के इसके इल्जाम की बहुत तकलीफ हो रही थी मिस फौजिया मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रहा हूं आइंदा अगर आपने इस किस्म की गुफ्तगू करने की कोशिश की तो आपको इसी वक्त फायर कर दूंगा रजा बुखारी ने यह कह कहकर फौजिया को जाने का इशारा किया जायशा भी इसके पीछे जाने लगी जायशा तुम रुको रजा ने पीछे से पुकारा तो वह रुक गई जायशा तुम मुझे क्यों मैं यूज कर रही हो इल्जाम का जवाब देने की बजाय तुमने इस पर हाथ क्यों उठाया रजा बुखारी ने नरमी से कहा सर आपको नहीं पता कि वो मुझ पर बहुत गंदे इल्जाम लगा रही थी और मुझसे बर्दाश्त ना हो सका जैशा अपने होंठ काटते हुए बोली तो रजा एक गहरी सांस खारिज करके रह गया कल तक इंतजार कर लो इनशाला सब ठीक हो जाएगा अगर मुझ पर भरोसा करती हो तो इस बात को अपने जहन से बिल्कुल बाहर निकाल मैं रजा इसे तसल्ली देने वाले अंदाज में बोला तो वो चुप कर गई ठीक है सर अब मैं जाऊँ वो इजाज़त तलब लहजे में बोली तो रजा ने इस बात में सर हिला दिया और सुनो आज का प्रोग्राम लाइव ही होगा अगर अगर तुमने किसी ने उल्टी सीधी बात की तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुमने इसे कैसे हैंडल करना है रजा बुखारी परमाद ले जाएं लोग बोला तो जैशा के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट उभरी बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी लेकिन जब वो दोनों खाना खाकर रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो बारिश बहुत जोर पकड़ चुकी थी गाड़ी तक आते आते वो दोनों काफी भीग चुके थे बारिश बहुत तेज थी इसलिए अदन ने अपनी गाड़ी का रुख की तरफ की बजाए इधर ही अपने फ्लैट की तरफ कर दिया थोड़ी देर बाद गाड़ी एक शानदार फ्लैट के सामने रुकी तब तो मुस्तजाब अदन को सवालिया नजरों से देखने लगी ये कहां ले आए हो मुझे अदन ने गाड़ी अंदर खड़ी की तो मुस्तजाब ने पूछा बारिश बहुत तेज है और इस वक्त हवेली जाना नामुमकिन लग रहा है इसे अपने फ्लैट में ले आया हूँ अदन ने यह कहते हुए इसका साइड का दरवाजा खोला वो एक लम्हे के लिए हिचकिचाई, जिसको इसने बड़े अच्छे तरीके से नोट कर लिया खा नहीं जाऊंगा मैं उतरो गाड़ी से वो झंझला कर बोला क्योंकि वो अच्छा खासा भीग चुका था वो भी गाड़ी से उतरी आई इसकी तकलीद में वो अंदर दाखिल हुई ये दो तीन कमरों पर मुश्तम बहुत खूबसूरत फ्लैट बना हुआ था जो कि अदन के ज़ाती इस्तेमाल में था कमरे में दाखिल होकर वो वार्ड्रॉप की तरफ पड़ा और इस पर भी एक तायराना निगाह डाली क्योंकि वो भी भीग चुकी थी साथ वाले कमरे में चली जाओ और चेंज कर लो वो एक वाइट शर्ट और ट्राउज़र इसको थमाते हुए बोला तो वो इसकी शर्ट और ट्राउज़र लेकर दूसरे कमरे की तरफ बढ़ी अदन की शर्ट इसे काफ़ी बड़ी थी और ट्राउज़र को इसने नीचे से फोल्ड कर लिया अंदर ही अंदर वो इसके रवैये पर बहुत गुस्से में थी क्या है ये शख्स पल में धूप पल में छाँव नाराज़गी ऐसे दिखा रहा है जैसे मेरा महबूब हो और अब नहीं मनाऊंगी समझता क्या है ख़ुद को वो अपने बालों को ब्रश करते हुए खुद कलामी के अंदाज में बोल रही थी इसे सर्दी का एहसास हुआ तो बिस्तर में घुस गई इसी वक्त इसके मोबाइल पर बेल हुई तो मामा का नंबर परेशान हो गई सलाम मामा मैं ठीक हूं बारिश बहुत तेज थी इसलिए हम इधर ही रुक गए हैं वो अपने बालों को एक साइड पर करते हुए बोली इधर कहाँ रुके हो तस्लीम ने तश्वीश से पूछा मामा अदन के फ्लैट में इसने ये कहा तो तस्लीम के दिल में शको शहबाद उठने लगे अदन किधर है वो अपने दिल की बात सुबान पर ले आई वो दूसरे कमरे में है मामा अच्छा कल बात होगी ये कहकर इसने फोन बंद कर दिया क्योंकि वो अपनी माँ के शहबाद जानती थी मामा भी ना पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हैं वो दिल ही दिल में सोचते हुए कंबल तान कर लेट गई तुम्हें कैसे बता दे कि तुम में जान बसती है जिंदगी हारे जिस पर वो बस एक तेरी ही हस्ती है इतनी थकावट के बावजूद अदन को नींद नहीं आ रही थी अपनी बेख्तियरियों पर गुस्सा आ रहा था इसी वक्त दादा का फोन आया इसे अपने दादा पर भी गुस्सा आ गया क्यों उन्होंने ही इसे ये राह दिखाई थी जिस राह पर चलते चलते वो जख्मी पोर पोर हो चुका था वो अपने से तो मुकरने वाला शख्स हरगिज नहीं था लेकिन वो इसे एक पल में बदहद कह गई थी वो सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था दादा का फोन आ रहा था इसे पता था कि जब तक वो इसकी आवाज नहीं सुनेंगे इन्हें आराम नहीं आएगा इसलिए यस का बटन दबा दिया जी दादा जान मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभी सोना चाहता हूँ कल बात होगी ये कहकर इसने फोन बंद कर दिया तो वो और परेशान हो गए क्योंकि इन्हें पता चल गया कि इनका पोता और पोती की सुला नहीं हो सकी इसलिए अदन ने ऐसे जान छुड़ाई है उन्होंने फिर फोन किया अदन बेटा क्या नाराज़ हो दादा भी अपने पोते की रग रग से वाकिफ थे अधन को एहसास हुआ कि इसने अपनी परेशानी में अपने जान से अजीज दादाजान को परेशान कर दिया नहीं दादा जान मैं क्यों नाराज होऊंगा? आप प्लीज सो जाएं। इसने सिगरेट एश्रिय में मसलते हुए कहा मुस्ताब कहाँ है? दादा को पोती की भी फिक्र लाव थी दादाजान वो सो गई है और अब आप भी सो जाएं। क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है ये कहकर इसने दादा जान से खुदा हाफिज कहा बाहर बारिश की तेज़ी में कोई कमी नहीं आई थी वो दिल के हाथों मजबूर होकर इसे देखने के लिए इसके कमरे की तरफ बढ़ने लगा लेकिन फिर सख्ती से अपने आप को रोक दिया जैशा ने जब प्रोग्राम शुरू किया तो इसने काफ़ी हद तक अपने आप को बहाल कर लिया था और इधर इसके प्रोग्राम के जो दो मेहमान थे वो मुखालिफ पार्टियों से ताल्लुक रखते थे दोनों ही इसे तंजिया निगाहों से देख रहे थे कि इतना गंदे इल्जाम लगने के बावजूद भी वो आज प्रोग्राम कर रही है सर आपके हल्के की आवाम को आपसे बहुत सी शिकायत है वो अपने मेहमान सियासतदान को देखते हुए बोली मिस जायशा अवाम को आपसे भी बड़ी शिकायत है कि आप टीवी पर बैठकर दूसरों से बहुत सवालात करती हैं, लेकिन कल के इल्जाम लगने के बाद आपका भी किरदार मशकूक हो चुका है अब किस मुंह से हमसे ये सवालात कर रही हैं? मुखालिफ ने इसे तपाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी रजा बुखारी इसके सामने ही दूसरी साइड पर बैठा हुआ था और अब आंखों ही आंखों में इसे इस, कुछ इशारा कर रहा था जिससे इसने एक हद तक अपने आप को कंपोज किया और अपने गुस्से को काबू किया सर मैं जायशा, किसी को वजाहत तो देना नहीं चाहती और ना ही अपनी सफाई लेकिन एक बात तो सबको पता है कि मैं आप जैसे कितने ही सियासतदानों के कच्चे चिट्ठे खोल चुकी हूं इसलिए ये आप जैसे ही किसी सियासतदान की रजा जरा नवाजी है जिन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाए हैं वो असल में मुझसे डरे हुए हैं बहुत जल्द इनको अपने आप से भी शर्मिंदगी होगी ये प्रोग्राम मुझ पर नहीं आप पर हो रहा है और मेज़बान मैं हूँ आप नहीं चट्टा साहब कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको सब पता चल जाएगा कि मुझ किसी को मुझसे सवाल करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी उम्मीद है कि अब आप मुझ पर फोकस करने की बजाय लोगों के मसाइल पर फोकस करेंगे जायशा पुरमद लहजे में बोली तो रजा बुखारी के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हो गई इसे इस लाइव प्रोग्राम में ही थोड़ी देर के लिए इसकी मुस्कुराहट ने कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने आप पर काबू पा चुकी थी प्रोग्राम लाइव खत्म हुआ तो रजा बुखारी ने इसकी तरफ कदम बढ़ा दिया वेल डन जयशा आज तुम तुमने मुझे मायूस नहीं किया रजा बुखारी खुश होते हुए बोला काफी दिनों बाद इसे खुश और मुतमइन लगा थैंक यू सर ये सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ वो प्रोफेशनली अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली हमदानी ने भी इसका कंधा थपथपाया इसे लगा कि वो दुनिया की खुशकस्मत तरीन लड़की है जिसे इतने अच्छे लोग मिले हैं अचानक मुस्तजाब की आंख खुली तो आसपास अंधेरा ही अंधेरा था वो बहुत घबरा गई बेसाखता उठकर बैठ गई मोबाइल को ढूंढकर लाइट ऑन की उठकर बेसाखता अदन के कमरे की तरफ बढ़ी अंदर दाखिल होते ही खांसने लगी क्योंकि अदन के सिगरेट पीने से अंदर काफी धुआं जमा हो चुका था अदन लाइट को क्या हुआ है वो मुंह पर हाथ रखते हुए बोली अदन जिसकी आंख थोड़ी देर पहले ही लगी थी बड़ा बेजार हुआ तुम तो मुझसे ऐसे पूछ रही हो जैसे मैं वापटा का मालिक हूँ अब मुझे क्या पता लाइट को क्या हुआ है वो ये कहकर करवट बदल गया तो वो इसकी पीठ को घूरने लगी लेकिन अब सारा ध्यान इस दुश्मन जान की तरफ था जो जब से इसकी ज़िंदगी में दाखिल हुई थी इसका सुकून चला गया था मुझे इधर अंधेरे में खौफ आ रहा है वो हिचकिचाते हुए अपने दिल की बात सुबां पर ले आई तो एक दम से उठ बैठा मोबाइल की रोशनी करते वो बाहर यूपीएस देखने गया लेकिन शायद वो खराब हो चुका था बारिश की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है और यूपीएस भी काम नहीं कर रहा वो कमरे में आते हुए बोला जाओ जाकर सो जाओ ये कहते हुए वो अपने बेड पर आकर लेट गया क्योंकि इसे सख्त नींद आ रही थी मैं इधर ही सो जाती हूँ वो कमरे पर नजर दौड़ाते तो हुए बोली लेकिन सोफा तो सोने के लिए छोटा था अदन उठकर अपना सर पकड़कर बैठ गया और एक लम्हे के लिए इसे देखने लग गया मोबाइल की हल्की सी रोशनी में इसका हुस्न अदन हैदर की बड़ी मुश्किल से सोए हुए जज्बात को उभार रहा था वाइट शर्ट इस पर इतनी जच रही थी कि एक लम्हे के लिए वो निगाह हटाना ही भूल गया मोहतरमा क्या मुझे मार कर ही दम लोगी वजू मनी अंदाज में कहता हुआ बेड से उठकर इसके करीब आया तो वो होनको किस तरह इसे देखने लगी सोफा तो बिल्कुल छोटा है तुम बेड पर सो जाओ मैं यहीं कहीं रात गुजार लेता हूँ वो बेबसी से कहता हुआ नीचे बिस्तर लगाने के बारे में सोच रहा था मुस्तजाप को अपने कल वाले इल्जाम की पश्मानी ने आगे गिरा जब इसने बदअहद कहा था तुम भी यहां पर सो जाओ मुस्त ने नजर उठा कर इसे कहा तो अदन ने जिन नजरों से इसे देखा वो बेसाख्ता अपनी निगाहें झुका गई मैंने कल तुम्हें जो बोला था वो इससे निगाहें चुरा कर बोली तो अदन हैदर का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया वो इसे शर्मिंदा होते हुए भी नहीं देख सकता था क्योंकि जो इंसान किसी से सच्ची मोहब्बत करता है वो इस इंसान को हमेशा पर ही देखना चाहता है इट्स ओके okay, तुम सो जाओ ये कहते हुए वो साइड टेबल से अपने सिगरेट उठाने लगा तो मुस्तजाब ने आगे बढ़कर इसकी कलाई को पकड़ लिया जिस पर वो शस्तर ही तो रह गया था अदन प्लीज मुझे तंग मत करो अब मान जाओ ना वो मिलते में बोली वो जो बड़ी मुश्किल से खुद पर बन बांधे हुए था इसको लगा कि इसके सारे बन टूट जाएंगे मुस्तजाब प्लीज सुबह बात करेंगे मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ वो बड़ी मुश्किल से अपने दिल को काबू करते हुए बोला लेकिन मैं अभी बात करना चाहती हूँ वो सब मैंने गुस्से में बोला था वो अभी बात करने पर बस जिद थी जबकि अदन अपने आप से ही डर कर भाग रहा था बैठो इधर मेरे पास इसकी कलाई अभी तक मुस्तजाब के हाथ में थी वो भी दिल के हाथों मजबूर होकर बैठ गया लेकिन अंदर एक तूफान मचा हुआ था प्लीज मैं तुम्हारी नाराजगी से तंग आ गई हूँ अब सोरे भी कर लिया अब तो ठीक कर लो वो इस रात की फसू खेज बोलती हुई खामोशी से अनजान अदन के बिल्कुल करीब बैठ कर इसे वजाहत दे रही थी एक लम्हे के लिए तो अदन का दिल किया कि इसे अपने सारे दिल की हकायतें सारी बेचैनियाँ अपनी हर तड़प इसके वजूद में उंडेल दे लेकिन फिर कुछ सोचते हुए इसने अपनी आंखें जोर से मीच ली वो किसी भी कीमत पर इसका एतमाद खोना नहीं चाहता था वो जो बड़े एतमाद से इसके पास बैठी हुई थी इसके अंदर लगी हुई इश्क की आग से ना वाकिफ थी अब इसे देखकर इसे जवाब तलब कर रही थी एक फीकी सी मुस्कुराहट अदन के लबों को छू गई इसने एक गहरा सांस खारिज किया देखो मस्त मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ और मैं ये भी नहीं कहता कि मैं इतना गिरा हुआ इंसान हूँ लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि मैं फरिश्ता भी तो नहीं हूँ तुम जवान हो बहुत खूबसूरत हो किसी वक्त दिल को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है शायद तुम तो मेरे हक में हो इसलिए ऐसा होता है नहीं तो आज तक मेरी ये कंडीशन नहीं हुई लेकिन मैं एक नफ्त इंसान भी नहीं हूँ जिस तरह तुमने मुझे बदअद कहा कहां मैंने तुमसे बदअहदी की है तुम्हें पता है कि एक क्यूट सा बच्चा जब हमें नजर आता है तो हमें बेसाख्ता इस पर प्यार करने को दिल करता है इसी वक्त भी तुम पर ऐसा ही प्यार आया जैसा कि खूबसूरत से बच्चे को देखकर किसी भी इंसान को आता है इस वक्त इस प्यार में कोई और जज्बाकार फरमा नहीं था तुमने मुझे इतना गलत समझा मेरे दिल में इस बात की बहुत तकलीफ है अदन हैदर अपनी कुछ बेचैनी इस पर आया की, तो वो शर्मिंदा हो गई अब सॉरी कहा है ना वो नजरें झुकाकर बोली अदन हैदर को इस पर बेसाख्ता प्यार आया उम्मीद करो कि आइंदा ऐसा कुछ ना हो वो शरारत से अपनी उंगली से इसकी ठोड़ी को उठा कर बोला तब तो मुस्तजाब ने इस बात में सर हिला दिया दिल चाह कि इसे खुद में समोले लेकिन वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर पाया वैसे ये शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है तुम्हें इसकी मुस्कुराहट बहाल हुई तब तो मुस्तजाब को लगा कि जैसे सारे जहां की खुशियां लौट आई हैं कहाँ अच्छी लग रही है खुद को कार्टून फील कर रहे वो शर्ट को देखते हुए बोली तो वो मुस्कुराने लगा थैंक यू फॉर गिविंग दिस ब्यूटीफुल स्माइल, ये मुस्कुराहट देने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदन की मुस्कुराहट और गहरी हो गई, अब सो जाओ मिसिस इससे पहले कि ये मुस्कुराहट तुम पर भारी पड़ जाए वो मायनी खेज नजरें इसके सहरापे पर डालते हुए बोला तो वो इसकी बात का मतलब समझते हुए इसको घूर कर रह गई यानी अदन साहब फॉर्म में आ चुके हैं वो इसे घूरते हुए बोली। अभी मेरी फॉर्म देखी कहाँ है वो जो मायने अंदाज में बोलते हुए बेड की दूसरी साइड लेट गया अच्छा अब सो जाओ मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है ये कहते हुए अदन ने इसकी तरफ से करवट ले ली मुस्तजाब इसके राज़ी होने पर दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रही थी और अदन हैतर खुद से लड़ता लड़ता सोने की कोशिश करने लगा जैशा सोने के लिए लेटने लगी ले तो इसके मोबाइल पर बेल हुई नंबर देकर पेशानी पर शिकने नमूदार हुई फिर कुछ सोचते हुए इसने यस का बटन दबा दिया हाँ बोलो वो नॉर्मल लहजे में बोली बहुत बहुत मुबारक हो तो मैं निकाह की दूसरी तरफ मीर अरसलान ने टूटे हुए लहजे में कहा खैर मुबारक तुमने मुझे ये सब कहने के लिए रात के बारह बजे फोन किया है वो बदमजा हुई थी क्योंकि वो मुसलसल दो रातों की जगी हुई थी इस वक्त वो सिर्फ सोना चाहती थी कैसे जयशा मैं आज तक किसी के साथ इतना सिंसियर नहीं हुआ यहाँ तक के अपने आप से भी नहीं जितना तुमसे था तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया मीर खोरता लहजे में बोला तो जैसे एक गहरा सांस खारिज करके रह गया देखो मीर अरसलान तुम्हारा स्टेटस भी काफी जबरदस्त है हैंडसम भी हो, एक छोड कई खूबसूरत लड़कियां तुम्हें मिल सकती हैं जहां तक मेरी बात है तो मैं एक मुनाफिक भरी जिंदगी नहीं गुजार सकती कभी भी नहीं क्योंकि जैसे तुम्हारा दिल तुम्हारे इख्तियार से बाहर, वैसे ही मेरा भी मेरे से बाहर है क्योंकि मेरे दिल की स्लेट पर रसा बुखारी ही पहला नाम लिखा है और यही आखिरी होगा उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ गए होगे गए ने नरमी से कहा क्योंकि मीर अरसलान जैसा भी था सही इसका महसिन था लेकिन रजा बुखारी के दिल की सलेट पर तुम्हारा नाम बिल्कुल भी नहीं है जायशा। कैसे वो कह रहा था कि अगर तुम निकाह करना चाहो तो कर लो वो गवाह बनने पर तैयार है मीर अरसलान ने एहसास दिलाने वाले लहजे में कहा मुझे पता है लेकिन मुझे अपने खुदा पर भी पूरा यकीन है वो जो चाहे कर सकता है वो अपने जज्बों की सच्चाई पर भी मैंने अपनी सारी जिंदगी में रजा बुखारी से ज़्यादा शरीफ नफ्स इंसान नहीं देखा अरसलाम क्योंकि मैं जिस फील्ड में हूँ इस फील्ड में ज़्यादातर गिद्ध बैठे हुए हैं जो हर वक्त नोचने को तैयार होते हैं और आज मैं जो भी हूँ इस इंसान की बदौलत हूँ और ऐसा ही इंसान मैं अपनी जिंदगी में चाहती थी उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ गए होगे और जितनी जल्दी तुम इस हकीकत को तस्लीम करो इतना ही बेहतर है और किसी अच्छी लड़की को देख कर इससे शादी कर लो वो इसे समझाते हुए बोली तो एक ज़ख्मी मुस्कुराहट मीर अरसलान के लबों को छू गई मेरे नज़दीक सिर्फ अच्छी लड़की जायशा ही है जो खुद में अपनी मिसाल आप है मीर अरसलान अभी कहाँ समझने वाला था दुनिया में बहुत सी अच्छी लड़कियां मौजूद है अल्लाह तुम्हारे हक में बेहतर करेगा अच्छा अब अच्छा, मैं फोन रखती हूँ काफी रात हो गई है ठहरो बात तो पूरी सुन लो वो फोन बंद करते करते रह गई हाँ बोलो नींद से इसकी आंखें बंद हो रही थी आज तुम्हें प्रोग्राम में देखकर काफी अच्छा लगा तुम बहुत बहादुर हो जैशा कीप इट अप माय डियर मीर अरसलान ने इसके दिल से तारीफ की तो इसने थैंक यू कहकर फ़ोन बंद कर दिया एकदम से रजा बुखारी अपनी मर्दाना वजाहत समेत इसकी आंखों के सामने आ गया यूनट खुद ब खुद मुस्कुराने लगे मेरी बहादुरी के पीछे मेरे मेहरबान का हाथ है मीर अरसलान जिसकी वजह से मैं आज इस मुकाम पर हूँ ये सोचते सोचते वो नींद की वादियों में गुम हो गई इधर मीर अरसलान बे इंतहा शराब पीकर पूरे कमरे का हशर नशर कर चुका था मीर इफ्तार ने जब इसकी हालत देखी तो सदमे से गंग रह गया क्योंकि इसका इकलौता और लाडला बेटा जो हर वक्त नक सक से तैयार रहता था मिल जगे से हुए में पागलों की जैसी हरकतें कर रहा था इसे इसका एक लोता बेटा जान से ज्यादा अजीज था भीर इफ्तार ने तीन शादियाँ की थी लेकिन औलाद इसे अपनी पहली बीवी से ही हुई थी और वह सिर्फ मीर अरसलान था अमजद सारी रात तुम अरसलान के पास से नहीं हिलोगे और पता करो इसकी ये हालत क्यों हुई मीर इफ्तिखार ने सलान के बालों में उंगलियां चलाते हुए दुख से कहा जायशा तुम क्या समझती हो तुम्हारे समझाने से मेरा दिल संभल जाएगा नहीं इस दिल में तो तुम्हारी तलब और बढ़ गई है अध खुली आंखों से अपने बाप को देखते हुए बोला तो मीर इफ्तार को सब समझ आ गई कि इसकी हालत ऐसी क्यों हुई है देख लूंगा मैं इस लड़की को अमजद तुम इसका ध्यान रखना ये कहते इसके कमरे से बाहर निकल गया सूरज की किरणें छन छन पर्दों के पीछे से अंदर आ रही थी अदन को अपने हाथ से किसी चीज का दबाव महसूस हुआ तो इसने गर्दन को घुमा कर देखा वो दुश्मन जहाँ इसका हाथ अपने चेहरे के नीचे लिए हुए सोई थी बेसाख्ता एक खूबसूरत मुस्कुराहट अदन के लबों को छू गई बहुत गौर से इसके एक एक नक्श को देखने लग गई अदन हैदर की जान ही ना निकाल देना किसी दिन ये सोचते हुए वो इसके करीब खिसक आया और बे इसकी पेशानी पर अपने लब रख दिए वो कितनी ही देर तक अपने चेहरे को इसके चेहरे के ऊपर टिका लिया मैं यही चाहता हूँ माई डियर वाइफ कि मेरी हर सुबह ऐसी ही हो जब आंख खुले तो तुम्हें पूरे हक से अपने करीब पाऊँ। लेकिन अभी शायद मेरी मोहब्बत के कुछ इम्तिहान बाकी हैं ये सोचते हुए वो अपने हाथों से इसके चेहरे पर आए बाल पीछे करने लग गया शायद इसके लम्स का असर था की आंख खुल गई तो वो हैरत से अदन को देखने लग गई तुम, 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 इधर क्या कर रहे हो वो हक लाते हुए बोली तो अदन की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई स्वीट हार्ट आपकी यादा शायद बहुत कमजोर हो चुकी है रात को आपके ही पर आपके पास सोया था और अब मेरे बेचारे हाथ को अपने कब्जे में लिए हुए सोई थी वो अपने हाथ की तरफ इशारा करते हुए बोला जो अभी भी इसके चेहरे के नीचे था वो इसकी बौखलाहट से महलूज होते हुए बोला तो इसने अपना चेहरा अधन के हाथ से उठाया और उठने लगी इतनी भी है जल्दी है माय डियर वाइफ वो इसके दोनों हाथों को पकड़कर बोला तुम तो उससे का दिल बहुत तेजी से धड़का प्लीज अधन छोड़ो मेरे हाथ वो झंझुला कर बोली तो वो कहका लगा कर हंसने लगा तुम खुद जो चाहो तो पकड़ लो और जब मैं पकड़ू तो छुड़वा लो इतना भी जुल्म ठीक नहीं है वो गंभीर लहजे में इसके कान में सरगोशी करते हुए बोला तुम तो मुस्तजाब को अब गुस्सा आने लगा अदन अब तुम तो मुझे तंग कर रहे हो अगर फिर मैं कुछ बोलूंगी तो रूठी हुई महबूबा की तरह मुंह बनाकर फिरते हो वो दश्तगी से बोलती हुई अदन का कहका आसमान को छूने लगा अच्छा मेरी जेंडर ही चेंज कर दी तुमने शुक्र करो मैं तुमसे राजी हो गया हूँ नहीं तो अदन है तक जब किसी से नाराज होता है तो दूसरी द्रखा इसको देखता तक नहीं वो इसकी छोटी सी नाक को दबाते हुए बोला हो जाओ नाराज ये कहते हुए वो अपना हाथ छुड़वाकर उठ गई अब इतनी ज्यादा मेहनत करके कल सारा दिन तुमने लगा कर मुझे राजी किया अब तो इतनी जल्दी नाराज नहीं होगा अदन ने इसे छेड़ते हुए कहा तो वह मजीद बदमजा हुई अब ज्यादा फैलो मत ये कहते हुए वो वॉशरूम में घुस गई तो वो कर रह गया कुछ सोचते हुए इसने मीर अरसलान का नंबर मिलाया जो थोड़ी देर तक ही पिक कर लिया गया अरसलान, मेरे फ्लैट में आओ मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ कुछ जरूरी काम है वो इसके फोन अटेंड करते ही बोला तो मीर अरसलान नागवारी से फोन को घूरने लग गया मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है अदन मैं नहीं आ सकता आवाज में कुछ खैर मामूली बन था जिसको अदन ने बखूबी महसूस कर लिया क्या हुआ अरसलान तुम ठीक तो हो तुम्हारा दोस्त अंदर तक टूट गया है यार वो अब भी शायद अपने आप में नहीं था अरसलान थोड़ी देर तक मुझसे आकर मिलो फिर बैठकर बात करते हैं अदन इससे जल्द अज जल्द मिलना चाहता था देखता हूँ अगर मूड बना तो आ जाता हूँ और सलान ने लापरवाही से बोलकर फोन बंद कर चुका था जबकि अदन इसके लहजे से तश्वीश में पड़ गया था इसी असना मुस्तजाब वॉशरूम से बाहर आई तो इसको परेशान पाया मुस्तजाब हर चीज फ्रिज में पड़ी हुई है तुम ऐसे करो नाश्ता तैयार करो मैं थोड़ी देर में फ्रेश होकर आता हूँ वो ये कहता हुआ वॉशरूम में घुस गया और वो किचन में नाश्ता बनाने चली गई अभी तक दस पंद्रह मिनट ही गुजरे थे कि मुस्तजाब को महसूस हुआ क्योंकि दरवाजा खोल कर अंदर आया है वो किचन से बाहर आई तो देखा मीर अरसलान अंदर आ रहा था ये कैसे आया वो खुद कलामी करते हुए बोली जबकि मीर अरसलान इसे देखकर हैरान रह गया इसको पता था कि शायद अदन अकेला है इसलिए वो चाबी लगाकर अंदर आ गया था क्योंकि अदन के फ्लैट की चाबी इसके पास भी मौजूद थी सॉरी भाभी मुझे नहीं पता था कि आप भी मौजूद हैं नहीं तो मैं नॉक करके आता का लहजा माजरत जिस पर मस्तजाब ने इसे गौर से देखा वो जिस मीर और से मिल चुकी थी वो इसको इससे कदरे मुख्तलिफ लगा कोई बात नहीं अब बैठे मैं अभी अदन को बुलाती ये कहकर वो किचन में चली गई फिर अपने हुए पर गौर किया तो एक शर्मिंदगी ने आ घेरा क्योंकि वो अदन के कपड़े पहने हुए थी। वो नाश्ता तैयार कर चुकी थी अदन भी फ्रेश होकर किचन में आ गया तुम्हारा दोस्त आया है वो चाय को कप में ऊंडेलते हुए बोली तो अदन को अपनी गलती का एहसास हुआ क्योंकि इसने मीर सलान को बताया ही नहीं था कि मुस्तजाब भी इसके साथ है ठीक है तुम ऐसे करो इसके लिए भी नाश्ता बना लो वो ये कहकर ड्राइंग रूम की तरफ पड़ा मीर अरसलान को देखकर अचंभे का शिकार हुआ क्योंकि हर वक्त नक्स से तैयार रहने वाला इसका दोस्त आम से हुए में इसके पास मौजूद था अरसलान क्या हुआ है तुम्हें परेशानी से बोला तुम्हारे दोस्त का दिल बहुत बुरे तरीके से टूटा है अदन एक तुम ही मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो क्योंकि तुम मुझे कदम कदम पर समझते थे लेकिन मैं तुम्हारी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था अब देखो शायद किसी के दिल को तोड़ने की सजा मुझे भी मिली है कि आज मैं टूटा हुआ हूँ मीर अरस, अरसलान टूटे हुए लहजे में बोला अदन को एक तश्वीश ने आ घेरा क्योंकि वो जैसा भी था इसका दोस्त था वो हर हाल में इसका अच्छा ही चाहता था फिर अदन के पूछने पर मीर अरसलान ने इसको सब बता दिया अरसलान जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है इसमें अल्लाह ने तुम्हारी ही बेहतरी रखी है देखो आज तुम्हारा दिल टूटा है तुम्हें एहसास हुआ है कि जब दिल टूटता है तो इंसान किस ग्रुप से गुजरता है शायद खुदा ने तुम्हें एहसास दिलाने के लिए ही तुम्हारे दिल में इस लड़की की मोहब्बत डाली है अदन इसे समझाते हुए बोला चलो छोड़ो इस बात को तुम्हारी भाभी ने नाश्ता लगा दिया है चलो मेरे साथ पहले नाश्ता करो अदन ये कहते हुए उठ खड़ा हुआ नहीं यार तुम जाओ नाश्ता करके आओ फिर मुझे बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या काम था मीर और सलान ने सोफे पर दराज होते हुए कहा नहीं नहीं, यार, ऐसे तो नहीं। चलो उठो मेरे साथ नाश्ता करो एक मिनट में बाहर आओ ये कहता हुआ वो बाहर आया। तो मुस्तजाब इसी का इंतजार कर रही थी वो कपड़े बदल चुकी थी थोड़ी देर बाद मीर और सलान भी टेबल पर आ गया तीनों मिल ने मिलकर नाश्ता किया मुस्तजाब ने बर्तन उठा लिए तो अदन मीरा अरसलान की तरफ मतवज हुआ कुछ दिनों के लिए बहुत बिजी हूं इसलिए चाहता हूँ मेरा बिजनेस तुम संभालो नाश्ता करके वो फारिक हुए तो अदन अरसलान को देखते हुए बोला पहले खुद को तो संभाल लूँ। तुम्हारे बिजनेस को कैसे संभालूंगा अरसलान संजीदगी से बोला तो अदन को इसकी बात पर गुस्सा आ गया क्या नाकाम आशिकों की तरह मयूसी वाली बातें कर रहे हो वो लड़की किसी और का मुकद्दर थी अब तुम्हें लकीर को पीटने का कोई फायदा नहीं कम ऑन यार इस फेस से जल्द अज जल्द बाहर निकलो यही तुम्हारे हक में बेहतर है अदन इसको समझाते हुए बोला तुम्हें शायद आज तक किसी से मोहब्बत नहीं हुई इसलिए ऐसा कह रहे हो और हाँ शायद जिससे मोहब्बत करते हो वो तुम्हारे पास मौजूद है इसीलिए तुम्हें इस तड़प का अंदाजा नहीं जिस पर एक फीकी सी मुस्कुराहट अदन के चेहरे को छू मुझसे बेहतर कौन जान सकता है इस मोहब्बत और तड़प के जज्बे को अदन संजीदगी से बोला मीर अरसलान हंसने लगा बड़ा ही फप्फे कुटनी है तुम ने अपनी ब्यूटीफुल के साथ याशी कर रहा है मुझे कह रहा है मुझसे बेहतर कौन जानता होगा वाह मीर अरसलान अपके मुस्कुराते हुए बोला तो इसे से वो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी नीर अरसलान थोड़ा थोड़ा अपनी फॉर्म में आ चुका था जिस पर अदने ने इसे कहा जाने वाली नजरों से देखा बड़ा खबीज इंसान है तू तो। ऐसी कोई बात नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो समझ नहीं आ रही थी कि इसे कैसे वजाहत दे इसको अपने रिश्ते की हकीकत ना बता सकता था और अब छुपाना भी मुश्किल लग रहा था तो फिर मुझे समझाओ क्या बात है अरसलान सलाम यह कहता हुआ इसके करीब हुआ बस मैं तुम्हें ये कह रहा हूं ना तुम कुछ दिनों के लिए मेरा बिजनेस संभाल लो अदन अपनी जगह से उठते हुए बोला तुम तो मुझसे कुछ छुपा रहे हो यार अरसलान इसकी आंखों में देखते हुए बोला अदन को पता था जब तक वो इसके बिजनेस संभालने के रीजन नहीं बताएगा मीर अरसलान इसकी जान नहीं छोड़ेगा अरसलान ये निकाह एक समझौता है और बस कुछ नहीं और मैं समझौते हूँ तुम्हारे इस दोस्त को भी मोहब्बत हो गई है अपनी बीवी से लेकिन मेरी मजबूरी देखो कि मैं इसको बता भी नहीं सकता और ना इसे जबरदस्ती अपने साथ बंधने पर मजबूर कर सकता हूँ क्योंकि तुम्हें पता है मैं अपनी बात से पीछे हटने वाला इंसान नहीं हूँ अदन ने इसे अपनी परेशानी बताई जिस पर कुछ देर तक तो वो हैरा, हैरत से इसे देखता रहा यार ये तो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी आंखों के सामने मौजूद है और तुम इसको बता भी नहीं सकते ठीक है कुछ दिन तक मैं तुम्हारे बिजनेस को संभाल लूंगा तुम बेफिक्र रहो अपने काम निपटाओ कंधे पर थपकी देते हुए बोला मुझे मेरी मोहब्बत नहीं मिल सकी लेकिन तुम्हारी मोहब्बत तो तुम्हें जरूर मिलनी चाहिए वैसे यार तुम्हारी हिम्मत और हौसले की दाद देनी पड़ेगी एक बात बोलूँ मेरा मशवरा समझकर अमल करोगे मीर और सलान की आंखों में अब शरारत नाच रही थी बोलो अदन को महसूस हो गया था कि वो अब कुछ उल्टा सीधा बोलेगा इतनी भी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी रखता है इसको काबू करके दो चार बच्चे पैदा कर तुम्हें छोड़ने का सोचेगी भी नहीं मीर अरसलान इसकी आंखों में देखते हुए बोला तो ने एक झांपड़ इसके कंधे पर रसीद किया मुझे तुम्हारे इस घटिया मशवरों पर अमल करने की ज़रूरत नहीं है और चल अपने घर अच्छी तरह से तैयार होकर मेरे ऑफिस का चक्कर लगा। सब समझा देगा। कल मुलाकात होगी अभी मैं को लेकर गांव जा रहा हूँ बाहर की तरफ बढ़ने लगा और अगर तुम्हारी लव स्टोरी में कोई ट्विस्ट आया तो अपने भाई को जरूर बताना मीर अरसलान मुस्कुराते हुए बोला तो इसको घूर कर रह गए रजा बुखारी ने अपनी माँ को निकाह के बारे में बताया तो वो इससे नाराज हो गई सुबह वह नाश्ते की टेबल पर आया तो अपनी माँ को नाराज पाया मामा आप भी यही चाहती थी तो अब आप नाराज हो मुझसे वो जूस का गिलास मुंह को लगाते हुए बोला तो मैं निशाने से हैरत से देखा जितनी खुशी मुझे हुई है तुम तो मेरी खुशी का अंदाजा भी नहीं लगा सकते रजा लेकिन तुमने अपनी मां को भी अपने साथ ले जाना मुनासिब ना समझा इस बात का मुझे दुख है उसकी माँ ने इसको घूरते हुए कहा अच्छा मामा अब सॉरी आपको नहीं मालूम ये निकाह किस तरह हुआ है ये कहते हुए इसने अपनी माँ की चूम ली जैसे भी हुआ बहुत अच्छा हुआ मेहरू ने मुस्कुराते हुए बोली तो वो अपनी मां की खुशी देखकर चुप कर गया कब ला रहे हो बहू को इस सवाल पर इसने अपनी मां को देखा अब मुझे क्या देख रहे हो निकाह किया है तो अब इसे घर भी लाना है, है कि नहीं वो घर ऐसे नहीं लाना मैं आज जा रही हूं इसके घर अपनी बहू को ढेर सारी शॉपिंग कराऊंगी और वो खुश होते हुए बोली तो रजा बुखारी चुप कर गया अब इस नीच पर तो इसने सोचा ही नहीं था कि इसने जयशा को घर भी लाना है एकदम से बेचानियों ने आघेरा हनान को जब पता चला तो वो खुशी से फूले नहीं समा रहा था कि अब इसकी मामा जायशा होगी पापा जल्दी मेरी मामा को ले आए पहले वाली मामा आ नहीं रही आंटी को ही ले आए वो बहुत एक्साइटेड लग रहा था रजा बुखारी ने बे आगे बढ़कर अपने बेटे को गोद में ले लिया इससे बेशमार प्यार करने लगा जैसे मिली जान का हुक्म ये कहकर वो अपने अंदर के तूफान को छुपाते हुए बगैर नाश्ते के उठ खड़ा हुआ मेहर निशा आवाजें देती रह गई लेकिन वो बाहर निकल गया माँ को पता था कि इसके बेटे के अंदर क्या तोड़फोड़ चल रही है वह ऑफिस पहुंचा तो जायश अभी तक नहीं आई थी वो किसी को भी अंदर ना आने का कहकर आपने कैबिन की तरफ बढ़ गया जायश कमरे में जाने लगी तो मुलाजिम ने इसे रोक दिया मैडम सर का हुक्म है कोई भी ने डिस्टर्ब ना करे इसने ये कहा तो वो इसकी बात सुनी अनसुनी करते अंदर दाखिल हुई रजा बुखारी अपनी सीट के पर सर टिकाए आंखें बंद किए ना जाने अजीह होते कि कौन से जहां में पहुंचा हुआ था जायश ने गला खंगारा तो अपनी मौजूदगी के एहसास दिलाया तो इसने एकदम से आंखें खोल दी जयशा को लगा कि वो गलत वक्त पर आ गई है रजा बुखारी की खूबसूरत आंखों में नमी चमक रही थी शिद्दत जब से चेहरा सुर्ख हुआ पड़ा था सर क्या हुआ आपको वो नरमी से कहती हुई इसके करीब आई मैंने कहा था मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे तो फिर क्यों आई हो जायशा लहजे में बोला सर ऐसे तो आप बीमार पड़ जाएंगे दिल गिरफ्तगी से बोली प्लीज जैशा, जाओ यहां से क्या चाहती हो तुम रजा बुखारी खुरदरे लहजे में बोला जायशा इसके इस कदर सर्द अंदाज पर लब भीज कर रह गई मैं चाहती हूँ कि आप रिलैक्स रहें फुरजा बुखारी की आंखों में देखते हुए बोली रिलैक्स रहने कहाँ देती हो तुम तो? अब जाओ यहाँ से और आइंदा बगैर इजाज़त मेरे कमरे में मत आना रजा बुखारी की कख्तगी ने इसे कहता हुआ उठ खड़ा हुआ जैश अपनी इज्जत अफजाई पर चुप करके इसके कैबिन से बाहर आ गई अपनी आंखों में नमी आ गई, जिसको इसने जल्दी से साफ कर लिया अब इसे अपने कैबिन में आए हुए पांच मिनट ही गुजरे थे कि रजा बुखारी ने इसे अपने कमरे में तलब कर लिया जिस पर वह हैरान होती हुई इसके कमरे की तरफ बढ़ी बैठो रजा बुखारी ने इसके चेहरे की तरफ गौर से देखते हुए कहा तो वो कुर्सी पर बैठ गई आई एम सॉरी मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी ऐसे बात नहीं करना चाहता था लेकिन तुम्हें भी इस चीज का ख्याल रखना होगा जब मैं कहूँ मुझे डिस्टर्ब ना करो तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत किया करो रजा बुखारी इसे नरमी से समझाते हुए बोला तो वो सिर्फ सर हिलाकर रह गई जिस पर रजा बुखारी को महसूस हुआ कि वो इसे काफी हट कर चुका है कोई परेशानी रजा ने इसे सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा सर सोशल मीडिया पर सुफियान मेरे खिलाफ बहुत जहर और गंद फैला रहा है इस बारे में आपसे बात करने आई थी जैश ने वजाहत दी तो रज़ा बुखारी के चेहरे पर एक पुरार मुस्कुराहट उभरी। डोंट वरी रात तक वेट कर लो सुफियान का चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा रजा बुखारी पर यकीन लहजे में बोला आर यू श्योर सर वो हैरानगी से पूछने लगे जायशा तुम्हें मुझ पर कितना यकीन है रजा ने सवालिया अंदाज में इसे देखा सर मुझे अपनी जात से ज़्यादा आप पर यकीन है जयशा रजा की आंखों में देखते हुए बोली इसके इतने पर रज़ा ने इसको बड़े इस से इसे देखा जी सर मैं सच कह रही हूँ जयशा खूबसूरती से मुस्कुराई। तो फिर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल घबराना नहीं बिल्कुल भी रजा बुखारी ने इसकी आंखों में देखते हुए पर यकीन अंदाज में कहा तो इसने इस्बात में सर हिला दिया वो हवेली पहुंचे तो सबसे पहले वो अपने दादा जान से मिलने गई लेकिन वो तो सो रहे थे तो वो अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ी इसकी माँ ने इसके चेहरे को बड़े गौर से देखा जैसे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हो इधर क्यों रुक गई थी मामा मौसम काफी खराब था इसलिए वो हम अदन के फ्लैट में ही रुक गए थे वो अपनी माँ के पास बैठते हुए बोले इज एवरीथिंग ओके तस्लीम इसे खुरेदा तो वो अपनी माँ के वहम पर मुस्कुरा दी माय डियर मदर सब कुछ ठीक है आप परेशान ना हुआ करें बीबी आपको साहब बुला रहे हैं वक्तमा ने कहा तो तस्लीम एक ठंडा सांस भर कर रह रहता तो एक मिनट भी वो तुम्हारे बगैर नहीं तस्लीम ने के चेहरे के बड़े से देखते हुए कहा तब तो वो परेशान हो गई अपनी माँ को कैसे समझाए इन दोनों में ऐसी कोई भी बात नहीं चल रही मामा अभी इसके मुंह में ये अल्फाज थे मुलाजमा ने दोबारा आकर अदन के बुलावे का बोल, तो तस्लीम ने गर्दन ऐसे हिलाई जैसे कह रही हो कि मैं ठीक कह रही हूं अच्छा रात को बात होगी कहकर वो अपने कमरे की तरफ पड़ी। क्या प्रॉब्लम है मुझे दो मिनट मामा से बात भी नहीं करने देते वो कमरे में आकर इस पर चढ़ दौड़ी यार क्या हुआ है इतने गुस्से में क्यों हो मेरी एक जरूरी फाइल नहीं मिल रही थी वो मुझे ढूंढ दो मैंने कुछ स्नैपशॉट्स लेकर अरसलान को सेंड करने हैं। वो इसको देखते हुए बोला तो वो अलमारी की तरफ बढ़ी एक मिनट के बाद ही फाइल लाकर इसके सामने कर दी फाइल सामने पड़ी है और तुम्हें नजर ही नहीं आ रही वो गुस्से से बोली तो अदन खूबसूरती से मुस्कुरा दिया अब इसको क्या कहता कि फाइल तो एक बहाना थी इसे बुलाने का वो नहीं चाहता था कि वो इसकी आंखों से एक घड़ी भी ओझल हो इसने ऑफिस से छुट्टी की थी तो वो चाहता था कि वो इस छुट्टी को थोड़ा सा इंजॉय कर ले अब मुस्कुरा क्यों रहे हो वो इसकी आंखों से लो देते जज्बों से घबरा कर बोली मिसेज जब ना मुस्कुराओ तब भी तुम्हें प्रॉब्लम होती है जब संजीदा हूँ, तो कह रही हो मुंह बना हुआ है एक बार ही बता दो चाहती क्या हो शरारती अंदाज में कहता हुआ इसकी तरफ पड़ा मुझे नहीं पता मुझे तैयार होने दो यह कहती हुई अपने कपड़े निकालने लगी क्योंकि इनकी बारह बजे मीटिंग थी असफहानी के साथ इस वक्त अदन का फोन बजा हाउ आर यू जैनी वट आर प्लेजेंट सरप्राइज अदन ने मुस्कुराते हुए कहा जिस पर मुस्तजाब ने सर उठाकर इसके चेहरे की तरफ बड़े गौर से देखा तो इसे लगा शायद ही किसी की मुस्कुराहट अदन से ज़्यादा खूबसूरत हो कैसे हो अदन मैं तो ठीक हूँ तुम कब आ रहे हो लंदन वो बड़ी शायस्ता उर्दू में बोली तो अदन बड़ा हैरान हुआ जैनी तुमने उर्दू सीख ली हाँ मैंने सीख ली है उर्दू तुमसे बहुत ज्यादा बात करने के लिए तो फिर कैसा लगा वो पुर जोश तरीके से बोली अच्छा लगा जैनी वो सिर्फ इतना ही कह सका क्योंकि वो जानता था कि वो इससे कितनी मोहब्बत करती है थोड़ी देर इससे बातें करने के बाद इसने वीडियो कॉल करने का कहा जिस पर अदन हिचकिचाया ठीक है अगर मुझे अपना फेस नहीं दिखाओगे, तो मैं पाकिस्तान आ जाऊंगी चैनी ने इससे ठोस भरे अंदाज में कहा तो अदन फौरन मान गया क्योंकि वह जानता था कि अगर वो कह रही है तो वो पाकिस्तान आ जाएगी इसने कैमरा ऑन किया तो जैनी कितनी देर तक इसे पागलों की तरह देखती रही तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस करती हूं ना मुझे पाकिस्तान आने देते हो और ना आप इधर आ रहे हो चैनी से देखकर बेचैनी से बोली तो वो पहलू बदल कर रह गया क्योंकि मुस्तजाब सिंह के आगे खड़ी होकर बालों को कंगी कर रही थी और वो हैंड फ्री के बगैर फोन सुन रहा था एक दो माह तक हो सकता है मैं इधर चक्कर लगे नजरें बस्तूर मुस्तजाब का जायजा ले रही थी अदन किसको देख रहे हो जनी ने फौरन नोट किया तो वह इसकी बात पर मुस्कुरा दिया जिसको देखना चाहिए इसी को देख रहा हूं इसने अब मोबाइल के कैमरे की तरफ निगाह की मुस्तजाब ने इसे एक जबरदस्त घुड़ी से नवाजा किस को जैनी ने हैरानगी से कहा छोड़े इस बात को तुम बताओ क्या कह रही थी अदन अब जैनी की तरफ मुतव हुआ मुझसे नहीं होता एक दो माह तक सब्र मैं तुमसे मिलना चाहती हूं अदन वो अपनी बात पर इसरार करते हुए बोली मुस्तजाब के कान खड़े हो गए अदन चलता हुआ मुस्तजाब के करीब आया मीट माई स्वीट हार्ट समातों पर जैसे धमाका फोड़ा था जिस पर कई लम्हों तक जैनी बोल ही ना सकी और मुस्तजाब भी इसके तर्जी पर हैरान हुई अदन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है जैनी की आंखों में आंसू वाजिया तौर पर मौजूद थे मेरी नज़र में गर्लफ्रेंड का कोई कंसेप्ट नहीं है जैनी ये मेरी वाइफ है वो अपनी बात पर जोर देते हुए बोला तो जैनी को लगा जैसे बहुत कुछ इसके अंदर टूट चुका है हाय कैसी हैं आप जैनी जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली तो मुस्तजाब भी रस्मन मुस्कुरा दी मैं ठीक हूं आप कैसी हैं टू टू इस लड़की के दिल के लिए बहुत तकलीफ महसूस कर रही थी ओके फिर बात होगी ये कहकर जैनी ने फोन बंद कर दिया तो मुस्तजाब ने अतन के चेहरे को बड़ी गौर से देखा अदन ये लड़की तुम्हारे तो साथ बिल्कुल सिंसियर है मुस्तजाब इसे देखते हुए बोली मुझे भी पता है वो मेरे साथ सिंसियर है लेकिन मैं इससे शादी तो नहीं कर सकता ना अदन हैरान था कि मुस्तजाब को कोई भी चैलसी फील नहीं होगी साथ दिल में एक टेस भी उठी थी क्यों नहीं कर सकते शादी अगर वो मुस्लिम हो जाती है तो तुम तो इससे शादी कर लेना वो बहुत खूबसूरत भी है ने इससे कहा तो कुछ लम्हों तक अदन बोल ही ना सका क्योंकि अदन के दिल में भी बहुत कुछ टूटा था अब इसे जैनी का भी दर्द महसूस हो रहा था क्योंकि वो भी एक तरफा मोहब्बत की आग में जल रहा था ब्राउन आंखों का रंग एकदम बदला चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह करख्तगी ने ले ली वो इसकी बात का कोई भी भी जवाब दिए बगैर बाहर निकल गया इसके एक्सप्रेशन से मुस्तजाब भी परेशान हुई थी माँ की बातें अब इसके जहन में घूम रही थी अदन प्लीज़ कोई रोग ऐसा मत लगाना कि हमें इस बदन को तोड़ते में बहुत तकलीफ़ महसूस हो क्योंकि इसे इसकी छठी हिस्स बावर करवा रही थी कि अदन हैदर के दिल पर इसका कब्जा हो चुका है लेकिन वो अपनी बात को खुद ही झूठला देती इसकी खामोश आंखों से निकलते हुए जज्बों के पैगाम अब वो कई दफा महसूस करने लगी थी खास दफा तो इसको लगता कि वो अपनी आंखों से ही सब कह देगा क्योंकि इसकी आंखों को अपने ऊपर सटका कारी होते हुए वो महसूस कर चुकी थी लेकिन वो इस बात को सोचना भी नहीं चाहती थी इसके मोबाइल पर रदन की कॉल आई तो इसे होश आया मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ असफहानी साहब आ चुके हैं ये कहकर इसने फ़ोन बंद कर दिया तो वो अपना दुबट्टा दुरुस्त करती नीचे आ गई कल से जिस चेहरे पर मुस्कुराहट थी अभी संजीदगी देख कर मुस्तजाब के दिल को कुछ हुआ एक दम ही जैसे हर चीज से दिल अचाट हो गया था तो इसने मोबाइल ऑन कर लिया यूट्यूब खोलते ही जायशा के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपोगेंडा देख कर वो हैरान ही रह गई कैसे गलत लोग हैं और कैसे इल्जाम लगा रहे हैं इस लड़की पर वो तकलीफ से बोली तो अदन भी इसकी तरफ मतवजो हुआ अदन ये लड़की तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है वो अब अदन की तरफ देखते हुए बोला बड़ी एग्रेसिव लड़की है किसी ने इसे जान बुर कर इसका करियर खत्म करने के लिए कोशिश की होगी आगे अल्लाह ही बेहतर जानता है अदन गाड़ी ड्राइव करते हुए बोला रात को इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो देखेंगे तो पता चलेगा क्या मामला है मुस्तजाब हकीकत में परेशान हो चुकी थी जिस पर अदन ने इसे बड़े से देखा सारी दुनिया की परेशानी महसूस हो जाती है लेकिन बस मेरी ही नहीं वो खुद कलामी से बोला जिस पर इसने सर उठा कर इसे देखा तुमने कुछ कहा अदन वो सवालिया नजरों से देख इसे देखती अदन ने नफी में अपना सर हिला दिया मुझे लगता है अदन किसके मुखालिफ वैसे तो ऐसे चुप करवा नहीं सके तो उन्होंने इसकी करदार कशी करना शुरू कर दी। मुस्तजाब तो को बड़ा दुख हो रहा था अदन ने भी इस नीच पर सोचना शुरू कर दिया हो सकता है इसके पीछे आपके बाबा हों। वो अदन को देखते हुए बोली तो अदन ठंडा सांस भर कर रह गया क्योंकि इसे पता था कि इसका बाप भी इस हद तक जा सकता है इस लड़की ने काफी के नाक में दम किया हुआ है हो हो? सकता है किसी और का ये काम हो। अदर्न ने अपने दिल को तसल्ली देनी चाहिए जयशा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जरूर देखूंगी मुस्तजाब ने कहा असफहानी साहब जमीनों का जायजा लेने वहां पर मौजूद थे अदन और मुस्तजाब भी गाड़ी से निकलकर इनकी तरफ बढ़े सात बजे तक जाशा का प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच चुकी थी जबकि रजा बुखारी अभी तक नहीं आया था बड़े बड़े सहाफत के मगरमच्छ इधर बैठे हुए थे ताकि इस छोटी सी लड़की को आज शर्मिंदा होते हुए देख सके एक लम्हे को तो जैशा से नर्वस हो गई सुफियान सबसे अगली सीट पर बैठा हुआ था जैशा की तरफ देख कर बड़े तंजिया अंदाज में मुस्कुराया तो जैशा को गोया आग ही लग गई लेकिन फिर रजा की नसीहत याद आई कि खुद को बिल्कुल पुरसकून रखना है सहाफ़ियों के सवाल शुरू हो चुके थे और जैशा बड़े इत्मीनान से इनके जवाब दे रही थी जबकि मुस्तजाब और अदन भी अपने कमरे में बैठकर इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे मलिक दिलावर और हसाम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बेखबर ना थे वो भी इस वक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे और भी कई सियासदान जो जैशा की जान के दुश्मन बने हुए थे वो सब जैशा को शर्मिंदा होते देखने के लिए बेताब थे मिस जैशा आप कह रही हैं कि आप पर जो भी इल्जाम लगे हैं वो बिल्कुल झूठे हैं जबकि ये तस्वीर तो कुछ और ही कहानी सुना रही है मसला ये नहीं है कि आपकी ज्यादा जिंदगी में क्या है मसला ये है कि आप टीवी पर बैठकर सब लोगों को बड़ा लेक्चर देती और खुद एक सहाफी ने सवाल किया रजा साहब के साथ मेरा निकाह हो चुका है और इसका मुझे ढंडोरा पीटने का तो कोई मकसद ही नहीं था मैं आज भी इनके ऑफिस में एक वर्कर की हैसियत से काम कर रही हूँ जैशा ने निकाह की बात की तो सबको सांप सू गए कब हुआ ये निकाह? और किन हालात में हुआ सिर्फ आप दोनों एक्सपोज हो गए हैं इसलिए आप दोनों ने निकाह किया है शायद एक दिन पहले एमड्रॉइड मिस जैशा सुफियान नफरत अंगेज लहजे में बोला आपको इससे कोई गर्ज नहीं होना चाहिए कि हमने एक निकाह कब किया है जयशा ने आज तक झूठ नहीं बोला था इसलिए झूठ बोलना मुश्किल लग रहा था बदनामी के डर और खौफ से आप दोनों ने निकाह किया है इससे हमें क्यों गर्ज नहीं होनी चाहिए आप हमारी सहाफी बरदरी से ताल्लुक रखती हैं और एक जानी मानी एंकर हैं हम अपने मकसद और पेशे को ऐसे बदनाम तो नहीं होने देंगे आप या वजाहत करें या, या ये सहाफत ही छोड़ दें क्योंकि हम आप जैसी लड़कियों को अपने शोबे में मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते सुफियान को तो आज मौका मिला था इसलिए अपना अंदर का जहर निकाल रहा था जायशा के लिए और बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था सारे एंकर्स जो इस लड़की को अपने लिए खतरा महसूस कर रहे थे सुफियान की बात पर खुश हो गए सुफियान साहब मैं अपने अमल की जवाब अपने खुदा को हूँ आपको नहीं एक सवाल करना चाहती हूँ आपसे आप पर कातलाना हमला किसने करवाया था जैश अपने मखसूस अंदाज में बोली तो सुफियान एक लम्हे के लिए चुप कर गया जो सच और हक की आवाज बुलंद करते हैं इन पर ऐसे हमले तो होते ही रहते हैं मिस जैशा आपको क्या पता आप शायद एक नकाब ओढ़कर बैठी हुई शराफत का सुफियान ने तंजिया अंदाज में कहा इसी वक्त नकाब तो आप ओढ़ कर बैठे हुए हैं सुफियान साहब जो आज का प्रोग्राम छोड़ कर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं इससे यह अंदाजा होता है कि मैं आपके लिए कितनी अहमियत रखती हूँ और आपके लिए कितना बड़ा खतरा हूँ जयशा ने बड़ी तसल्ली से जवाब दिया जिस पर सुफियान थोड़ी देर के लिए बगले झांकने लग गया इस वक्त सुफियान का फोन बजा जो इसने बंद कर दिया थोड़ी देर बाद इसके सेक्रेटरी ने इसे साइड पर लाकर फोन थमाया इस पर सुफियान ने इसे आंखें दिखाई सर ये अपना जरूरी फोन सुन लें नहीं तो मीर अरसलाम मेरी हड्डियों का सुरमा बना देगा फोन मुझे भी धमकियां दे रहा था इसका सेक्रेटरी ला से बोला तो इसने फोन पकड़ लिया अब अगर तुमने एक भी लफ्ज इस लड़की के खिलाफ बोला तो मैं तुम्हारी तो जुबान खुद अपने हाथों से काटूंगा मीर अरसलान ने दूसरी तरफ गरजते हुए कहा तो सुफियान पहले तो हैरान हुआ मुझे समझ नहीं आ रही मुझे किसकी माननी चाहिए आपकी या आपके बाप की सुफियान ने तंजिया अंदाज में कहा जिस पर मीर असलान के दिल में अपने बाप के खिलाफ एक गुस्से का गुबार उठा था अपने बाप को तो मैं देख लूंगा फिलहाल तुम भोंकना बंद करो मीर अरसलान गुस्से से मुठियां भींचते हुए बोला जिस पर सुफियान ने गुस्से से फोन बंद कर दिया और अपनी सीट की तरफ बढ़ा जहां पर सहाफी जैशा अभी भी सवाल कर रहे थे सुफियान ने भी अपनी जुबान से एक गलत किस्म का सवाल किया जिस पर जायशा अपना गुस्सा कंट्रोल ना कर सकी सुफियान साहब आपको इस वक्त अपने स्टूडियो में मौजूद होना चाहिए क्योंकि आपके चैनल पर इस वक्त आपका प्रोग्राम लाइव आता है ना कि यहाँ होकर मेरी किरदार कशी करनी चाहिए जायशा एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोली मैं सिर्फ अपने शोबे का गन साफ करने के लिए आज यहाँ मौजूद हूँ आपके अंदर का गन कौन साफ करेगा सुफियान साहब रजा बुखारी सफेद पेंट कोट में अपना दिलकश पर्सनैलिटी समेत प्रेस कॉन्फ्रेंस के हॉल में एंटर होते हुए बोला तो सब इसकी तरफ मतवज हुए माफी चाहता हूँ थोड़ा सा लेट हुआ हूँ लेकिन ये भी जरूरी था बुख़ारी जैशा के साथ बैठते हुए बड़े अतम तरीके से बोला तो जैशा सब कुछ छोड़कर एक लम्हे के लिए इस को देखने लग दे। जिस पर इजाज़ हमदानी ने इसके बाएं तरफ बैठते हुए थोड़ा सा ठोका मारा मैडम आप प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठी हुई हैं, घर में नहीं सारा पाकिस्तान आपको देख रहा है अपनी आंखों को बाद में सैराब कर लीजिएगा जास हमदानी जैसा संजीदा बंदा इस संजीदा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरारत से इससे सरगोशी करते हुए बोला तो वे एक लंबी के लिए इसे घूर कर रह गई लेकिन इसके अंदर एक इत्मीनान उतरा था कि ये दोनों कितने रिलैक्स हैं कुछ ना कुछ तो इनके पास ऐसा होगा ये जैशा का हीरो है व्हाट अ पर्सनालिटी मुस्त रजा बुखारी को देखते हुए बोली तो अदन इसको हैरानी से देखने लगा सारी दुनिया की तारीफें करना बस मेरी ही ना करना अदन अपनी सोच पर खुद ही मुस्कुरा दिया यार मुझे क्या क्या सोचे आने लग गई हैं, वो अपने आप को कोसता हुआ टीवी की तरफ मुतवज्जो हुआ सुफियान साहब मुझे ना कैमरों के सामने आने का शौक है ना कोई वजाहत देने का लेकिन ये सब बहुत जरूरी हो गया था क्योंकि ये लड़की के किरदार का मामला है जिसका किरदार बिल्कुल शीशे की तरह साफ और शफाफ है इससे पहले कि आप मुझसे सवाल पूछें कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा रजा बुखारी ने अपनी एनक के फ्रेम को दुरुस्त करते हुए कहा हैरत है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप दोनों मिया बीवी जो शायद कल ही बदनामी के डर से बने हैं आपने रखी है और आप दोनों सवाल मुझसे पूछ रहे हैं सुफियान जहर भरी मुस्कुराहट के साथ बोला आप पर जो कतलाना हमला हुआ था वो किसने करवाया था सुफियान साहब रजा बुखारी ने इसका सवाल नज़रअंदाज करते हुए अपना सवाल पूछा जाहिर है हक और सच की आवाज़ के लिए हमेशा खड़ा होता जिनको इस चीज़ से तकलीफ़ है उन्होंने ही मुझ पर हमला करवाया है इसमें इतनी हैरानगी की कौन सी बात है सुफियान बड़े पर तरीके से बोला। सोच लें इस आपको मुंह की खानी ना पड़ जाए रजा बुखारी अपने बालों को दुरुस्त करते हुए बड़े इतमान से बोला तो जयशा फिर रजा बुखारी को देखने लग गई दे। सर आप हमारे सवाल के जवाब दें हमसे सवाल ना पूछें सुफियान अब गुस्से से बोला सर सुफियान साहब बिल्कुल ठीक कह है रहे हैं आप हमारे सवालों के जवाब इसके कि आप साहब से सवाल करें एक और ने उठकर कहा तो रज़ा बुखारी मुस्कुरा दिया एक जाने माने एंकर को इतना ही नहीं पता इस पर हमला किसने करवाया तो वो हमसे किस सिलसिले में तफीश कर रहा है चल छोड़ें इस बात को मैं बताता हूँ कि इन पर हमला किसने किया था हमदानी रजा ने ये कहते हुए हमदानी को कुछ इशारा किया टीवी स्क्रीन का पहले से इंतजाम किया गया था हमदानी ने कोई वीडियो प्ले की एक लम्हे के लिए पूरे हॉल में पिन साइलेंट थी क्योंकि जो स्क्रीन के मनाजिर थे इन मनाजिर को देखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल समेत पूरे पाकिस्तान में हलचल मच गई थी और अदर ने भी इन तुमने मुझे बहुत अंडर किया है मैं ऐसे ही इस फील्ड में नहीं आई पूरी ट्रेनिंग ली है मैंने ब्लैक बेल्ट जयशाली हूँ मैं तुम जैसे कुत्तों को तो मैं अपने हाथ से ही चीर फाड़ कर रख इसकी पीठ पर एक आखिरी किक मारकर अपना बैग उठाकर आसपास के लोगों की परवाह किए बगैर कमाल बेनियाजी से आगे बढ़ गई और इस मंज़र को पूरे पाकिस्तान का मीडिया देख रहा था ओके थैंक यू अल्लाह हाफिज़ फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में अपना ख्याल रखिएगा बाय बाय